हाय गाइस, आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। मेरा तरीका है जो मैं अपने से बनाने लगी हूँ, तो पता नहीं कैसी बनेगी। तो मुझे कंडेंस मिल्क चाहिए था, अब मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा मैं बना दूँ, तो मैं ये वही बना रही हूँ। ठीक है, इसके लिए चीनी और दूध सेम क्वान्टिटी में डालकर इसे मिक्स करके पकने के लिए रखते हैं, थिक हो जाए, मतलब कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी जब वो अभी तक हुई नहीं है, ऑलमोस्ट है लेकिन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। सो हमारा जो है कंडेंस्ड मिल्क ये रेडी है, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी, थोड़ा ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट परफेक्ट। अब इसको बंद करते हैं और उतारते हैं और फ्रिज में रखते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ ओरियोज हैं, आप चाहें अपनी मर्जी के कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं, ये आप पर है। अब इनकी क्रीम अलग कर लेंगे। बिस्किट ज़्यादा नहीं थे तो क्रीम भी ज़्यादा नहीं है, तो जितने बिस्किट थे क्रीम। सो अब इन बिस्किट्स को हमें क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, छोटे छोटे चंक्स रहना चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम बिस्किट्स को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं मैंने किया, क्योंकि कुछ कुछ चंक्स हैं इसमें जो कि जब मुँह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, और आपने भी इसी तरह रखने हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चिल्ड बाउल है विद चिल्ड, जैसे आपने ठंडा कर लेना है ताकि ये जब बीट हो तो ये ख़राब ना हो। तो यहाँ मैं तकरीबन 300 ग्राम तक डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, अब इसको बीट कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम आपको किसी भी स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग हाई स्पीड पर बीट करेंगे। जब क्रीम इस तरीके से हो जाए तो आपने बंद कर देना है बीट करना और कंडेंस्ड मिल्क डालना है। तो यहाँ पर मैं कंडेंस्ड मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, बिकॉज मेरी जो क्रीम है ये पहले से स्वीटेंड है, और मैं यहाँ पर वनीला एसेंस भी नहीं यूज़ कर रही क्योंकि इसमें वनीला भी पहले से मौजूद है। अगर आपके क्रीम नहीं है तो आप उसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल दीजिए या पाउडर शुगर भी, और साथ में आप इसमें तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल देंगे, जो वनीला पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सिर्फ डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क के साथ जो ओरियो क्रीम थी मैंने इसमें वो भी डाल दी। अब दोबारा से बीट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। देखिए, आप यहाँ पर देखिए स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो गए। अब जो लास्ट काम है वो डालना है ओरियो। ये ओरियो मैं सारे नहीं डाल रही, आधे डाल रही, आधे गार्निशिंग के लिए रखती हैं। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने बीट नहीं करना, इसको हम लोग फोल्ड करेंगे स्पैचुला की मदद से। ठीक है, इस तरीके से करते जाए, जब मिक्स हो जाए फिर आपको बताते क्या करना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारे बिस्किट्स को। अब इसको हम लोगों ने किसी भी कंटेनर में डाल देना है। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। अब जो थोड़े से ओरियोज रह गए थे उनको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे ताकि अच्छा लगे। ये मैंने कर दिया है, अब इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको प्लास्टिक से कवर कर लिया है। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे, अगर आप एयर टाइट कंटेनर ले रहे हैं ऊपर से ढक्कन से कवर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, लेकिन इससे भी सेम ही रिजल्ट आने हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, अब इसको फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 8 आवर्स के लिए। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट या वन डे रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो इसको अब मैं फ्रीजर में रखती हूँ, फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये रेडी है बहुत अच्छे तरीके से। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितनी क्रीमी है, कितनी लाइट है, कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।